नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस का जो मार्च का एग्जामिनेशन हुआ है वो रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। रिजल्ट डेट कि कब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। आपको बता दूँ, एनटीए ने अपना एग्जामिनेशन कम्प्लीट कर लिया है 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, जो कि पेपर वन का एग्जामिनेशन हुआ, और आपको 20 मार्च को आंसर की भी रिलीज कर दिया गया, और 22 मार्च तक को आपको समय दिया गया कि आप आंसर की में कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हो गई है। ऐसी अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव डेट है कि रिजल्ट आपका 27 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा, और ये एनटीए ने नहीं बताया, ये टेंटेटिव डेट है कि 27 मार्च को आपका रिजल्ट आ सकता है। ये डेट किस तरह से लिया गया उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। सबसे पहले फरवरी की बात करें तो फरवरी का जो आपका रिजल्ट है वो 8 मार्च को रिलीज़ किया गया था। और थोड़ा सा हम पहले आते हैं, एग्ज़ाम डेट्स की बात करते हैं। तो जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था फरवरी में, वो आपका 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ था, और आपको पता है फरवरी 28 दिनों का महीना था, तो टोटल 10 दिन लिए एनटीए ने रिजल्ट पब्लिश करने में। देख सकते हो आप, 8 मार्च को रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि मार्च का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो मार्च में आपको पता है 15 मार्च से 18 मार्च तक के बीच में आपका एग्जामिनेशन हुआ, सिर्फ आपका बीटेक का एग्जामिनेशन हुआ। तो यहाँ पे एनटीए को कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बीटेक का उनको रिजल्ट बनाना है। तो इससे अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक का समय उन्होंने ले लिया, अगर 10 दिन उसमें ऐड किया जाए या फिर 9 दिन ऐड किया जाए, तो 27 मार्च को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ये उम्मीद है आप सभी को, बस यही बताना था मुझे। देन उसके बाद बात करें कि जो रिजल्ट जैसे ही आएगा, सबसे पहले आपको लिंक तो वहाँ पे मिल ही जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिस दिन रिजल्ट आपका पब्लिश होगा। उसके अलावा बात करें रिजल्ट की, तो आपको पता है कि जेईई मेंस मल्टीपल सेशन में हो रहे हैं, टोटल 4 सेशन में एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो कैंडिडेट्स अगर चाहे तो एक सेशन में एग्जामिनेशन दे या फिर चारों सेशन में एग्जामिनेशन दे, उसके सभी सेशन में स्कोर वहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे रिजल्ट में परसेंटाइल के बेसिस पे। उसके अलावा कैंडिडेट का कौन सा स्कोर चूज़ किया जाएगा, तो मान लो कि कोई बच्चा सिंगल एग्जामिनेशन देता है तो उनका सिंगल परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक तैयार किया जाएगा। अगर कोई बच्चा दो या उससे अधिक या एक या उससे अधिक एग्जामिनेशन देता है, तो जो उसका बेस्ट परसेंटाइल होगा चारों एग्जामिनेशन में, उसको कंसिडर किया जाएगा रैंक बनाने के लिए। और आपका रैंक और जो फाइनल रिजल्ट है वो मई अटेम्प्ट के बाद रिलीज किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होगा। उसके अलावा आप बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो @PallavAsoFilms वीडियोस के अपडेट के लिए। उसके अलावा आपको पता है कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्वायर करती है परसेंटाइल के लिए और रिजल्ट के लिए, तो आप ये देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है कि फरवरी अटेम्प्ट में किस तरह से आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लेना टेलीग्राम ऐप में @PallavAsoFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना।